प्रिगो भैया को रोस्ट करता है, शर्म नहीं है, चलता है चलता है, ये चोटली पे हम छोड़ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिगर्ड इंसान का रोस्ट नहीं है, ये कुछ और है, और ये क्या है ये जानने के लिए अंत तक देखें, धन्यवाद। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो हर जगह अच्छाई ढूंढते हैं, एक जो हर जगह बुराई ढूंढते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, अच्छे इंसान को कहीं बदबूदार गोबर पर मक्खी बैठी हुई दिखेगी तो वो बोलेगा वाह कितनी सुंदर मक्खी है, उसे गोबर से कोई लेना देना नहीं है। वही बुरा इंसान एक मीठा रसीला आम चूसते हुए भी बोल देगा कि अगर इसके अंदर गुठली ना होती तो मजा ही आ जाता। अबे गुठली के गुठले आम चूस, मैं गुठली क्यों देख रहा है, इतना बड़ा रसीला आम है तेरे मुंह में पर तुझे गुठली ही दिखेगी। तो ये जो अच्छे लोग है वो मुझे और ट्रिगर्ड इंसान दोनों को देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, और एक तरफ है बुरे लोग जिन्हें हम आज कॉपी और रियलिटी में फर्क समझाने वाले हैं। यहां चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। कॉपी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, सांप के पीठ पे कीड़ा, कुछ लोगों को मुझसे हो रही है पीड़ा, पर हम वो हैं जो गर्मी में पीते हैं चाय, आओ इनकी पीड़ा को करें टाटा बाय बाय। तो मैं नॉर्मली ऐसी चीजों को इग्नोर करता हूँ, जैसे मैं उन रोस्ट वीडियोस को करता हूँ जो मेरे ऊपर बनी हुई है काफी सारी, बंद करो, क्योंकि ये उनका काम है जैसे मेरा काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मैंने देखा कि एक चमन भटूरा अपनी जिंदगी के सारे क्रियाकलाप छोड़ के रोज सुबह बस उठता है, नहाता है, अपनी चड्डी धोता है रूपा की, और बस मेरी वीडियो पे आके कमेंट कर देता है ट्रिगर्ड इंसान कॉपी, ट्रिगर्ड इंसान कॉपी, तो मैं उस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। हाँ मैं उस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। गजब बेइज्जती है। देन वो फिर से आता है, फिर से कमेंट करता है, अगर मैं उसे ब्लॉक कर दे तो वो नई आईडी बना के आता है, फिर से कमेंट करता है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? और मानो ना मानो अगर वो बच्चा मेरे सामने आया तो उसका कच्चा कब गीला होगा ना उसको पता चलेगा ना किसी और को, पर उसके कच्चे में से बहता हुआ सुसु का रिसाव उसके डर की गवाही जरूर दे देगा, क्योंकि इन बच्चों के पास दिमाग 4 ग्राम का होता है और इंटरनेट इन्हें 2 GB का मिल गया है। पिताजी तो मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा गेम खेलेगा, पर बच्चा यहाँ यूट्यूबर्स की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है। यार मतलब तुम लोगों को मजाक लगता होगा कमेंट करके निकल जाना, पर एक इंसान जो 7 दिन मेहनत करता है और फिर देखता है कि एक 4 ग्राम का हगरा बच्चा अपनी 2 इंच की छोटी सी उंगली लेके उस पर कमेंट कर जाता है कॉपी कॉपी कॉपी, दिल टूट जाता है भाई साहब। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। वैसे आंसू तो ऐसे भी पोस सकता था, मैटर वो नहीं। इसमें तो मैंने ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो भी देखना बंद कर दी थी कि कहीं सबकॉन्शियसली गलती से मेरा एक आध पॉइंट उससे मैच ना हो जाए और फिर मेरे घुटने तक आने वाला बच्चा मेरी वीडियो पे आके 4 बार हक के चला जाए। मतलब सोचो कितना बुरा लगता होगा, एक यूट्यूबर की वीडियो आई है तुम देखना चाहते हो पर तुम देख नहीं सकते हो, तो तुम्हारी मेहनत पे कोई बच्चा मूत के चला जाएगा। यू गेट द पॉइंट राइट? नहीं। इन सब लफड़ों के चक्कर में मैं ये तो भूल ही जाता हूँ कि ये जो इतना सब कमेंट कर रहे हैं वो है तो आखिरकार बच्चे, क्योंकि जो सच में ट्रिगर्ड इंसान के फैन है जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग है वो तो खुद मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे दिखता है कि उसके फैन पेजेस भी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है टाइटल और टॉपिक सेम होने से कुछ नहीं होता, अंदर का माल तो अलग है ना, अंदर का कॉन्टेंट। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है मुझे। हाँ तो अब बात करते हैं उसकी जिसका मुझे कॉपी बोला जाता है, ट्रिगर्ड इंसान उर्फ नोनू। नोनू निकनेम है चोमू? या हाँ मुझे पता है, मुझे बात समझा। हाँ तो ट्रिगर्ड इंसान एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि करता तो रोस्टिंग है परंतु गाली नहीं देता। नहीं मैं नहीं मानता। हाँ नाना चिट्टा, तो अगर मुझे ट्रिगर्ड इंसान का कुछ कॉपी करना होता तो मैं उसके सब्सक्राइबर करता 1.5 करोड़। वैसे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है यूट्यूब ने। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो ये बात है उस जमाने की। नहीं मैंने अपनी वीडियो कभी इस प्रकार स्टार्ट नहीं करी, ना नक्को बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस जमाने की ट्रिगर्ड इंसान बात करता है उस जमाने में मैं पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं शायद ट्रिगर्ड इंसान से छोटा हूँ ना। गूगल से पूछते हैं अंतर मंतर छूकल अंतर, चलो गूगल बताओ मेरी और ट्रिगर्ड इंसान की एज में अंतर, ट्रिगर्ड इंसान 26 साल। अब मेरी सर्च करते हैं, एज से पहले ये क्या लिखा है, पापा का नाम मंजीत पवार गलत, मम्मी का सोना गलत, ब्रदर आकाश है ही नहीं ब्रदर, बहन का सोनी, भाई कितने गलत हैं ये लोग। मैं ही बता देता हूँ मेरी एज 24 है, मैं 2 साल छोटा हूँ। हाँ मैं 2 साल छोटा हूँ इसीलिए यूट्यूब मैंने 2 साल लेट शुरू किया, ये सब फिजूल की बात है। मेन बात यह है कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमेशा मेरे एक मीम या एक क्लिप होता है और ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो में वो खुद दिखता है, क्योंकि मैं दिखूंगा तो तुम लोग मेरी वीडियो लाइक नहीं करोगे, ये वाली नहीं की होगी, कर दी बहुत बढ़िया। और एक पॉइंट जिसको ट्रिगर्ड इंसान भी मानता है और बाकी सारे यूट्यूबर्स भी मानते हैं। कैसा हंसता है? यू गेट द पॉइंट राइट? नहीं। जी हाँ ट्रिगर्ड इंसान अपनी वीडियो में हंस लेता है जिससे कि ऑडियंस को भी हंसी आ जाती है, मुझे भी आ जाती है बीइंग ऑडियंस। पर थाम्बा थाम्बा, कभी तुमने मुझे मेरी वीडियो में ऐसे खिलखिला के हंसते हुए देखा है? नहीं, मैं पूरी वीडियो में अपना फावड़े जैसा मुंह बना के बैठा रहता हूँ कि अगर मैं हंस दूंगा तो मेरे मुंह का गुटका तुम्हारे कैमरे पे आ जाएगा और पूरा जुबा केसरी हो जाएगा। बोलो जुबा केसरी। नहीं। जुबा केसरी।
वैसे मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है, पर मैं वो क्लिप काट देता हूँ। परंतु अगर कभी मैंने अपनी वीडियो में गलती से हंस दिया, लाइक अरे ये जोक तो काफी अच्छा था यार, तो भाई ये कॉपी वाले बच्चे अपनी छोटी सी जिंदगी लेके मेरे शरीर के नाक कान और ना जाने किस किस अंग में घुस के चीखने लगेंगे, तूने ट्रिगू भैया जैसा हंसा कॉपी, अबे हंसने पे कॉपीराइट, टाइटल पे कॉपीराइट, हर चीज पे कॉपीराइट। एक काम करो, मेरे घर आके मेरे मुंह पे टेप लगा दो कि यूट्यूब पे गाली रहित रोस्ट करने का अधिकार सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान को है। वो सब छोड़, ये बता तूने स्टोरी टाइम कैसे कॉपी किया ट्रिगू भैया का? स्टोरी टाइम भाई साहब, मैंने अपनी पूरी की पूरी निहायती अखंड मजदूर भरी मजबूर जिंदगी में सिर्फ एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाई है, और वो भी मेरी जिंदगी का कुछ छोड़ते। ऑब्वियसली स्टोरी टाइम वाला जॉनर ट्रिगर्ड इंसान ने चालू किया इंडिया में, फॉरेन का मुझे पता नहीं, तो उसको देख के काफी सारे लोग स्टोरी टाइम बना रहे और मैंने ही बनाई जिसमें स्टोरी मेरी है। मैंने ट्रिगर्ड इंसान की जिंदगी की स्टोरी नहीं छापी है, ये कहानी आज से 4 साल पुरानी, क्योंकि आज ही के दिन मैंने उस बच्चे का कत्ल किया था। मजाक करो, मजाक मजाक। इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, कॉपी नहीं बोलते। और भाई साहब वो बच्चे का सर मैंने फोड़ा, आलू मैंने उगाया, तो फल किसी और को क्यों मिले। और सोचने वाली बात यह कि मुझे स्टोरी टाइम वीडियो बनाने के लिए भी डिमांड ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस ने किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिगर्ड इंसान के फैन पेजेस थे जो मुझे मैसेज करते थे, कमेंट करते थे कि स्टोरी टाइम वीडियो बनाओ, स्टोरी टाइम वीडियो बनाओ। और जब मैंने बनाई तो कॉपी, और जो लोग कॉपी लिख रहे हैं उनको ट्रिगर्ड इंसान की स्पेलिंग भी नहीं आती, टिंगल ट्राइंगल टेंगल ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं। अगर सच में फैन हो तो एटलीस्ट नाम लिखना तो सीख लो, और जो ट्रिगर्ड इंसान की एक्चुअल ऑडियंस है वो तो सपोर्ट ही करती है कि वाह भैया क्या स्टोरी है। जो लोग मुझे कॉपी बोल रहे हैं वो ये नहीं सोचते कि जिस इंसान का मुझे कॉपी बोल रहे हो, कुछ टाइम पहले उस पर भी किसी ने ब्लेम किया था कि तुम कॉपी करते हो हमारा कॉन्टेंट, फिर उसकी बहन ने स्टोरी भी डाली थी उससे रिलेटेड। 5 मिनट क्राफ्ट्स की वीडियो कॉपी करी है, सीन कॉपी करा है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक्स टाइटल्स सारे ही एक दूसरे से इंस्पायर होके बनाते हैं, अपने अपने वे में प्रेजेंट करते हैं, हो सकता है एक आधा सीन सिमिलर भी हो जाए। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल से इंस्पायर होके वो चीज बनाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कहां से इंस्पायर होके क्या बना रहे हैं। एग्जैक्टली, टाइटल या टॉपिक सेम होने से आप किसी को उसको कॉपी नहीं बोल सकते, पर अगर बच्चे इतनी बात समझ जाएंगे तो वो समझदार बच्चों की लिस्ट में नहीं आ जाएंगे। तो मुझे लगता था एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की वीडियोस में आते हैं। और बात रही वीडियो के टाइटल की, तो वो रीच बढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि अंदर का माल सबका अलग होता है, टाइटल सेम डाल देते ताकि बड़े क्रिएटर के नीचे नेक्स्ट में हमारी वीडियो जाए तो हम गरीबों को भी थोड़ी बहुत रीच मिल जाए। क्योंकि जो इंसान 8-9 मिनट की पूरी वीडियो बना सकता है, उसके लिए छोटा सा टाइटल लिखना कोई बड़ा दिमाग का खेल नहीं है कि वो करने में उसको आलस आ जाएगी। और अगर मैं चाहता तो मैं अभी फुकरा इंसान के इवेंट में भी गया था, मैं उसके थ्रू ट्रिगर्ड इंसान से मिलके उसके साथ वीडियो बना के और काफी सारी रीच या ऑडियंस ले सकता था ट्रिगर्ड इंसान की, पर नहीं, मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी ग्रोथ हो वो मेरी मेहनत और आप लोगों के सपोर्ट से हो, ताकि कल को कोई बोले कि इसके कंधे पे बैठ के ये उठ गया। तो प्लीज सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और वैसे भी ये कॉपी बोलने वाले ना मेरे फैन है, ना ट्रिगर्ड इंसान के, ना किसी और के, वो सिर्फ बीच में लोगों के मजे लेने निकलते हैं, और जो रियल में ट्रिगर्ड इंसान के फैन है वो तो वैसे भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे बस वही चाहिए। बाकी ऐसे कमेंट करने वाले रोज करने वाले लोगों पे मैं वैसे भी ध्यान नहीं देता, लोगों ने डिश तक बना दिया भाई, मैंने रिएक्ट तक नहीं किया, ये क्या छोटी मोटी चीजें हैं साले कुत्तों की जिंदगी। और ये जो लोग कॉपी बोलते हैं, इन्हीं लोगों के चक्कर में आपका क्रिएटर बदनाम होता है। ट्रिगर्ड इंसान को आधे से ज्यादा लोगों ने तो इसलिए रोस्ट किया है क्योंकि उसकी ऑडियंस जाके वहां पे ऐसे कमेंट करती है। तो अब देख लो तुम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो या फिर गड्ढे में डाल रहे हो। चलो बाकी मैं मेहनत करता रहूंगा, अगली वीडियो आएगी फिर अगले हफ्ते सैटरडे तक शायद, तो देखें जरूर, लाइक करें, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, वैसे ऐसा कुछ था नहीं, और कमेंट करें कुछ भी जो अच्छा लगा हो। होप्स सबको समझ आ गया हो, फिर से मेरा नाजुक दिल ना तोड़ा जाए। अपने बाद टाटा बाय बाय, लाइक कर ही दो, मैं तो कह रहा हूँ। दुनिया से लड़के पूछ रहे हैं, आंसू को पोछने कोई नहीं आया, खुद से लड़के झड़के आगे हम बढ़ के बने एग्जाम्पल।